उसका नेम है इंटरपोलेशन सर्च। अब इंटरपोलेशन सर्च इज जस्ट लाइक अ रियल सर्च, जिस तरह आपके पास एक डिक्शनरी है और आपको पता है कि डिक्शनरी में डाटा सॉर्टेड होता है, तो इस एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट भी सॉर्टेड डाटा ही है। अब डाटा सॉर्टेड आपके पास होता है, लाइक डिक्शनरी की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आपको पता है कि अगर मैंने कैट के वर्ड को ट्रेस करना है तो आपको पता है कि सी स्टार्टिंग अल्फाबेट्स में आता है। आप कभी भी बुकलेट को अपनी डिक्शनरी को सेंटर से ओपन नहीं करोगे, आप स्टार्टिंग वाले पेज से करोगे, ठीक है। और उसके बाद ये ह्यूमन सर्च है, बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी यूज हो रही है। हम मशीन के अंदर कुछ ऐसे एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं जो कि ह्यूमन लाइक वर्किंग करते हैं। अब अगर हमें वो एक एक्स पॉइंट मिल जाए ना, जिस पॉइंट से हमने सर्चिंग स्टार्ट करनी है, तो इसका मतलब क्या है, हम अपनी सर्च को एफिशिएंट बना सकते हैं। तो इसी पर्पस के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है इंटरपोलेशन सर्च का। ये बेसिकली आपके पास एक मॉडिफाइड फॉर्म है बाइनरी सर्च की। बाइनरी में क्या होता है कि एग्जैक्टली सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें हम सेंटर से नहीं करते, बल्कि क्या है, हमारे पास एक की पॉइंट होता है, उस की पॉइंट से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द थिंग इज कि हमने वो की पॉइंट ट्रेस कैसे करना है। तो इस की पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। Here you can see that ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैंने यहाँ पे अपने तीन पॉइंट्स मेंशन किए हैं मेरे पास। डेफिनेटली मेरे पास एक लिस्ट होगी और लिस्ट में से मैंने एक नंबर ट्रेस करना है। और जैसा कि मैं एडवांस बता चुका हूं कि ये इंटरपोलेशन सर्च डिमांड करती है कि इसको जो इनपुट मिलेगी वो सॉर्टेड एलिमेंट्स होंगे। तो सॉर्टिंग अभी हमारा टारगेट नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि सॉर्टेड इसको अरे मिल जाएगी। अब सॉर्टेड अरे में डेफिनेटली अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो ये कुछ इस तरह की स्लोप बनती है, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ ये मूव करेगा। एक पॉइंट मेरा ऐसा है जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको मैं ए ऑफ लो कह रहा हूं। अगर मेरी अरे का नाम ए है तो ए ऑफ लो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है। इस स्टार्टिंग पॉइंट पे ये एंडिंग पॉइंट है ए ऑफ हाई। मैंने क्या किया कि इस एक्स एक्सिस पे एक साइड पे इंडेक्स रखा और एक साइड पे मैंने को वैल्यू को रखा। जैसे वन इंडेक्स पे वन वैल्यू, सेकंड इंडेक्स पे सेकंड वैल्यू, थर्ड इंडेक्स पे थर्ड वैल्यू। तो इस साइड पे इंडेक्सेस चल रहे हैं और इस साइड पे आपकी वैल्यूज चल रही है, ठीक है। मेरे पास एक अरे है और अरे के अंदर दो डायमेंशन है, एक इंडेक्सेस की और एक उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू की। ए ऑफ लो का मतलब क्या है, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक उसका इंडेक्स और एक उसकी वैल्यू। तो ये लो उसका इंडेक्स है, यानी कि लो ये नंबर है इंडेक्स का और इस नंबर पे पड़ी हुई एक वैल्यू होगी जिसको ए ऑफ लो कहा जाता है। इसी तरह हाई के लिए ये हाई पॉइंट है, इंडेक्स हाई नंबर जो है, और ये जो ए ऑफ हाई है ये उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू है। हमने कहा कि इन दो पॉइंट्स के मिडल पे एक की पॉइंट है जिसको हमने मिड पॉइंट डिफाइन किया। अब ये मिड पॉइंट बिल्कुल मीडियन की तरह है जो स्टैटिस्टिक्स में आप यूज करते हो, ठीक है। उसी फार्मूले को यहां पर रिप्लेस किया। फार्मूला कुछ स्टैटिस्टिक्स में कुछ इस तरह होता है कि जी आपके पास जो मीडियन होता है वो कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। हम यहां पर अभी एन बाई टू को अपना की नाम दे रहे हैं और हम ये नहीं कह रहे कि सेंटर पॉइंट है। हमने कहा कोई पॉइंट है, वो n बाई टू भी हो सकता है, वो n बाई थ्री भी हो सकता है, वो n बाई सेवन भी हो सकता है, n बाई वन भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो मैंने अभी इसको की का नेम दिया, तो इस पॉइंट को मैंने की से रिप्लेस कर दिया। अब c डेफिनेटली उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होती है, तो मैंने उससे प्रीवियस वैल्यू जो मेरे पास a ऑफ लो है वो रिप्लेस कर दिया इस c की जगह पे a ऑफ लो। इसी तरह मेरे पास जो h है वो इंटरवल होता है a ऑफ हाई माइनस लो, इंडेक्सेस को यूज करते हुए हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेट होगी वो कैसे किया मैंने कि a ऑफ हाई माइनस ए ऑफ लो, तो वैल्यूज को यूज कर लिया। ये जो एल मेरा लोअर क्लास बाउंड्री होती है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया इस लो इंडेक्स के साथ। तो मैंने इस फॉर्मूले के मीडियम को यूज करते हुए यहां पे अपने डेटा के मुताबिक वैल्यूज को पुट कर दिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट करें। अच्छा, यहां पे मैंने थोड़ा सा इसको मजीद मॉडिफाई किया। मैंने कहा मेरे पास एक अरे है ए, अब इंडेक्सेस है जो स्टार्ट हो रहे हैं लो से एंड हो रहे हैं हाई तक। फॉर एग्जाम्पल 1 to 15 है, तो 1 इंडेक्स मेरा लो है और 15 मेरा हाई इंडेक्स है। तो मेरे पास जो अरे है वो L से R तक जा रही है। मैंने कहा L मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और R मेरा एंडिंग पॉइंट है। इस L के मुताबिक ये A of L वो पॉइंट है जहां पे L इंडेक्स की वैल्यू पड़ी हुई, और A of R से मुराद वो वैल्यू है जहां पे R के इंडेक्स की वैल्यू पड़ी है। ये जो मेरा X पॉइंट था जिसको मैंने की पॉइंट कहा, अब उसके इंडेक्स को मैंने नेम दिया X का जो मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर पड़ी हुई वैल्यू कोई वी है जो हम ट्रेस कर रहे हैं। अब हमें वैल्यू ट्रेस करनी है। लाइक मैं कहता हूं कि जी मेरी लिस्ट में एक नंबर आया 72 जो मैंने ट्रेस करना है। अब 72 किस नंबर पे पड़ा है मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने उसको एक्स के साथ रिप्लेस किया।
तो यहां पे बेसिकली मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट की है, इन दो कोऑर्डिनेट्स को मिला के ये पॉइंट बना, इन दो कोऑर्डिनेट्स को मिला के ये पॉइंट बना, और इन दो कोऑर्डिनेट्स को मिला के ये पॉइंट ड्राइव हुआ. इज इट क्लियर? अच्छा, इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए मैंने स्लोप फार्मूले को यूज किया. अब आपको पता है कि लाइन की स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. इस मेथड को यूज किया, पॉइंट मैंने यूज किए और स्लोप कैलकुलेट की किसके लिए, कि अगर मेरे पास ये पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 हो तो मेरे पास ये स्लोप कैलकुलेट हो सकती है y minus y1 divided by x minus x1. अब मैं यहां पे इस l को x1 रिप्लेस कर रहा हूं और इस a of l को y1 रिप्लेस कर रहा हूं. इसी तरह ये x2 है और ये y2 है, ये सिंपल x और y है. क्लियर होगी बात? अब मैंने इन पॉइंट्स को यूज करते हुए मैंने स्लोप कैलकुलेट की है. दी स्लोप्स आर सेम एज देयर एंड पॉइंट्स. तो एक स्लोप मेरे पास ये है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट की है और एक स्लोप इस पॉइंट की है. तो इन दोनों की स्लोप कैलकुलेट की. अब मैंने यहां पे बेसिकली क्या किया, इन दोनों स्लोप को ना इक्वल कर दिया. क्यों इक्वल किया? ये एक स्लोप मेरे पास है और एक स्लोप मेरे पास ये है. क्यों इक्वल किया? क्योंकि सेम लाइन में मल्टीपल पॉइंट्स की स्लोप भी इक्वल होती है. सो दैट्स व्हाई मैंने दोनों को इक्वल कर दिया. अब मेरा इसमें सारा डाटा मौजूद है सिवाय इस एक्स के. वी यूजर बता देगा हमें कि कौन सी वैल्यू ट्रेस करनी है, लेकिन वो किस इंडेक्स पे पड़ी हमें ये नहीं पता. और हमने इसको भी नेम दिया एक्स के साथ. तो उस एक्स को ट्रेस करने के लिए मैंने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, मतलब मॉडिफाई नहीं किया बल्कि क्या किया, इसको इंटरप्रेट किया कुछ इस तरह से कि जनाब माइनस की चीजें उधर जाकर प्लस होंगी, उधर की चीजें प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगी. सॉल्व करते हुए इक्वेशन को मैंने यहां से एक्स की वैल्यू ट्रेस कर ली है. और अभी इस वक्त जो एक्स मेरे पास आया वो कुछ इस तरह है, वन एल प्लस ब्रैकेट में वी माइनस ए ऑफ एल इंटू मल्टीप्लाई बाय आर माइनस एल. ये मेरे पास एल है, वन नहीं, ठीक है. और इसी तरह ए ऑफ एल और ए ऑफ आर का डिफरेंस, ये सारा एक फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है. इज इट क्लियर? यस. नेक्स्ट, अब इसका जो एल्गोरिथम है इंटरपोलेशन सर्च का वो कैसे काम करेगा. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा हमें एक की पॉइंट दिया जाएगा भाई ये वैल्यू ट्रेस कर लेंगे. हम क्या करेंगे, उस वी को लेके एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि बस उसमें वी मिसिंग है ना, एक्स तो हमने निकालना है. तो वैल्यूज पुट करके हम वहां से एक्स निकाल लेंगे इन दो पॉइंट के लिए. एक्स हमने निकाल लिया, अब कंपेयर करना है वी को ए ऑफ एक्स के साथ. जो एक्स हमने निकाला उस इंडेक्स पे जाके अरे के एलिमेंट में हमने इस वी को जो यूजर ने एंटर किया है उन दोनों के साथ कंपैरिजन करेंगे. तीन केसेस तो हो सकते हैं, क्या वो मैच कर जाएगा? मैच नहीं करता तो वो नंबर लेस होगा या ग्रेटर होगा. तो तीनों केसेस अगर तो इक्वल होता है तो इट्स मीन दैट सच स्टॉप नंबर फॉर्म. अगर वो लेस देन होता है तो आपने आर को सेट करना है एक्स माइनस वन, और अगर ये ग्रेटर होता है तो L को सेट करना है x प्लस वन. यानी कि अगर V लेस होता है तो R चेंज होगा, और अगर V ग्रेटर होता है तो L चेंज होगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट करें, ये उसका प्रॉपर एल्गोरिथम है, स्लाइड्स में आपके पास मौजूद है, मटेरियल जो मिला उसमें मौजूद है, इसको स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट करें, यहां पे एग्जांपल कोड की, ये उसके इंडेक्सेस है, ऊपर नीचे उस इंडेक्स में पड़ी हुई वैल्यूज है. टारगेट हमारा वी जो है वो 32 है, हमने 32 ट्रेस करना है. मैंने इस x को कैलकुलेट किया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, जैसे l, तो l मेरे पास अभी क्या है, लो जो कि 1 है. इसी तरह मेरे पास जो v है वो 32 है, a of l जो इस पे पड़ी वैल्यू 1 है, ठीक है. इसी तरह r मेरे पास 20 है, l मेरे पास 1 है, a of r 70 है, a of l मेरे पास 1 है. तो इन वैल्यूज को पुट करते हुए x कैलकुलेट किया और एंड पे सील का फंक्शन यूज किया जो क्या करता है उसको राउंड कर देगा ताकि डेसिमल पॉइंट यूज ना हो. तो ये 9.85 अप्रोक्सीमेट आया, तो ये 10 हो गया. अब a of 10 आपने देखना है कि a of 10 के ऊपर बड़ा 21, b से मैच नहीं कर रहा, क्या है, लेस ग्रेटर है. जो हमारा b है वो इस नंबर से ग्रेटर है, तो ग्रेटर की सूरत में क्या चेंज होना है, l प्लस 1, x प्लस 1, l को चेंज करेंगे ना. तो l को x प्लस 1 कर दिया, x 10 था तो 11 हो गया. अब ये पास कर दिया हमने l को, अब न्यू l हमारा ये है और r ये है, v वही है, नई वैल्यूज आपके पास आ गई, दोबारा x में पुट की, x कैलकुलेट किया 13 है. अब उस 13 पे चेक किया 36, अब हमारे पास v लेस हो गया, तो अब r चेंज हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा r. अब इन दो वैल्यूज के मुताबिक जब x कैलकुलेट करेंगे तो ये एग्जैक्टली आपको 12 पॉइंट पे लेके जाएगा जहां पे आपका नंबर पड़ा है. तो एल्गोरिथम स्टॉप हो गया. अब ये कितना एफिशिएंट है, ये छोटी वैल्यूज के लिए शायद आपको ज्यादा ना हो, बट जो डेटा आप लार्ज करते जाओगे
ये एफिशिएंट से एफिशिएंट से एफिशिएंट होता जाएगा. नेक्स्ट चलिए, ये उसने एक और एग्जांपल दिया, वी चेंज कर दिया, आप लोग इसको अपने तौर पे वेरीफाई कर सकते हो. नेक्स्ट. अच्छा, अगर यहां पे मैंने एक छोटा सा ना एनालिसिस लिखा है कि अगर एन हमारे पास 2^32 हो, अप्रोक्सीमेटेड फॉर 4 बिलियन आइटम हो, तो ये उसके लिए तकरीबन बाइनरी सर्च 32 स्टेप में सॉल्व करेगा, और ये जो इंटरपोलेशन सर्च है तकरीबन को 5 स्टेप के अंदर से सॉल्व कर देगा. तो अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि कितना एफिशिएंट है. ठीक है, नेक्स्ट. ये बैक, तो ये इसका अप्रोक्सीमेटेड आइडिया है. ये बिलियंस के लिए 5 to 7 steps के अंदर अंदर सॉल्व करेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा. तो बाइनरी सर्च से ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम हमारे पास इंटरपोलेशन सर्च है. इज इट क्लियर? यस, थैंक यू. इसका क्वेश्चन कैसे